Welcome to Romeo Study Zone. Hello dear students, welcome to Romeo Study Zone. And today हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू बीएससीजी कोर्स की, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने क्रिएट की थी, जहां पे हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे एडमिशन टू डिग्री, कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर होते हैं, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स और बहुत सारी इंडक्शन मीटिंग्स होती हैं, और उन सभी से क्रॉस ओवर होने के बाद में एडमिशन से आपको कैसे डिग्री ऑब्टेन होती है, डिग्री आपको मिलती है, सभी को मैंने डिटेल वाइज बता दिया था, ठीक है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने जुलाई 2022 के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो थोड़ा सा अब उनके लिए लेक्चर की स्टार्टिंग भी करनी है। कुछ स्टूडेंट की क्वारी आई थी कि सर हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए जहाँ से हम स्टडी कर सकें, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से अपना कोर्स जिसका नाम है BCZ, ठीक है। तो इस कोर्स का नाम है आपका BCZ, इग्नू का BCZ। जिनको नहीं पता है BCZ वो क्या होता है, यहाँ पे बी फॉर बॉटनी, बॉटनी होगा साथ में आपका केमिस्ट्री और तीसरा होगा आपका जूलॉजी, ठीक है। मैं आपके सामने केमिस्ट्री का मेंटर हूँ, और अगर आपको इन फर्दर मुझे कोई बेटर रिस्पॉन्स मिलता है, आपको नीड है जूलॉजी या फिर बॉटनी की फैकल्टी की, तो मैं आपके लिए अवश्य ही प्रोवाइड कराऊंगा, जितनी कोशिश होगी आपके लिए अवश्य ही मैं टाइम दूंगा। बट हाल फिलहाल हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है। तो हम केमिस्ट्री ही पढ़ाएंगे आपको, तो केमिस्ट्री में आपको देखना ये है कि थोड़ा सा मैं आपके लिए बता देता हूँ केमिस्ट्री में क्या होगा। केमिस्ट्री में बेसिकली 1-3-1 से लेकर 1-3-8 तक आपकी सीरीज है। पहली चीज तो ये है 1-3-1 से लेकर 1-3-8 तक आपकी सीरीज है केमिस्ट्री की। टोटल आपके जितने भी क्या हैं कोर्सेज हैं, मतलब ये आपका BCZ चलता है, और जो ये आपका यहाँ पे 1-3-1 है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं केमिस्ट्री के अंदर। पहला तो है थ्योरेटिकल, पहला तो कौन सा पार्ट है आपका थ्योरेटिकल, और दूसरा है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो हम करा नहीं सकते, बट इन फ्यूचर जैसे भी आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट होंगे स्टडी सेंटर के अंदर, वहाँ पे मैं आपको गाइडेंस गाइड करूँगा कि कैसे आपको प्रैक्टिकल से क्रॉस ओवर होना है। हालांकि मैं थ्योरेटिकल जो लिखने वाला पोर्शन होगा एग्जामिनेशन के अंदर, वो मैं आपके लिए लगातार बनाता रहूँगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरेटिकल पार्ट से, और थ्योरेटिकल पार्ट है उस कोर्स का, इसमें जो पहला पार्ट है वो है BCHCT, इसका नाम है BCHCT। जो यहाँ पे टी है ये थ्योरेटिकल ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका नंबर दे रखा है यहाँ पर 131। कितना है 131, जैसे मैंने आपको बताया 132 आपका लेबोरेटरी के अंदर आएगा, इसी टाइप से 131 थ्योरेटिकल आएगा, 134 लेबोरेटरी से रिलेटेड आएगा। तो हम थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे, और इसमें बेसिकली आपके चार ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं इसमें, चार ब्लॉक। कितने ब्लॉक हैं भाई, चार ब्लॉक। पहला जो ब्लॉक है वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहला जो ब्लॉक है उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको ब्लॉक जो ये आपका कोर्स कोड है BCHCT, इसके अंदर आपको चार बुक मिलेंगी अलग अलग ब्लॉक की। कितनी बुक मिलेंगी, चार बुक। अगर आपने स्टडी मटेरियल आपका ऑनलाइन परचेज किया, मतलब आपने ऑनलाइन नहीं किया है, तो आपको हार्ड कॉपी जो बुक मिलेगी आपको बाय पोस्ट, तो वो चार बुक मिलेंगी आपकी। पहली जो बुक होगी वो होगी आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, दूसरी होगी आपकी केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तीसरा होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं इसे, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फोर्थ ब्लॉक होगा आपका, उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। ये आपके पास चार ब्लॉक हैं इस बुक के अंदर BCHCT के अंदर। तो हमें थोड़ा सा पहले
मैं बेसिक से लेके चलूँगा, क्योंकि अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करूँ तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मेरे को पहले बॉन्डिंग से सीखनी पड़ेगी। तो हम क्यों ना पहले इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भाई? केमिकल बॉन्डिंग। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग। सभी को करेंगे वैसे तो, लेकिन पहला इनिशियल जो चैप्टर होगा हमारा स्टार्ट करने का वो हमारा केमिकल बॉन्डिंग होगा। उसके बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड वन आपका ये और फोर्थ वन वाला ये होगा। क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आने ज़रूरी है। तो डू नॉट वेस्ट अवर टाइम। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने चैप्टर दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक से, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग। अब 11th 12th का तो है नहीं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ना हमें पड़ेगा। तो केमिकल बॉन्डिंग, अच्छा एक चीज़ बताओ, केमिकल बॉन्डिंग से तो शायद आप परिचित होंगे कि केमिकल बॉन्डिंग कहते किसे हैं। केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन केमिकल्स के बीच में बनती है। अब केमिकल किससे बनते हैं भाई, ये भी आपको पता होगा, एटम से। जब एटम, दो एटम, जैसे मान के चलो ये कार्बन है, दूसरा कार्बन ये है, और सिमिलरली देखो यहाँ पर दोनों एटम, ये कार्बन एटम एक बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट होते हैं। ये कोई रस्सी नहीं होती, एक थ्रेड नहीं होती, ये क्या होता है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है भाई। जब दो चीज़ों के बीच में अट्रैक्शन होता है जबी तो वो एक दूसरे को बाइंड करके रखती हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक टाइप का अट्रैक्शन होता है जो दो या दो से अधिक एटम और ग्रुप मॉलिक्यूल्स को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। तो सिमिलरली पहला पॉइंट तो यही है, इट इज़ ए टाइप ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ ए टाइप ऑफ अट्रैक्शन, टाइप ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन विच बाइंड्स द एटम, बाइंड्स द एटम टूगेदर, टूगेदर जो एटम्स को बांध के रखता है वो क्या कहलाता है, आपका केमिकल बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है ना। तो हमारे पास तीन टाइप के फोर्सेस काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर एग्जिस्ट। तीन टाइप के हमारे पास बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला वाला है आपका, सबसे पहला वाला जो बॉन्ड जिससे आप परिचित होंगे, जिसका नाम है, इसे ऐसे रिप्रेजेंट, हाँ ऐसे पहले से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या नाम है इसका, आयनिक बॉन्ड। और इस चीज़ को आप क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 12th में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। मेरे लिखने से पहले ही आपके माइंड में ये चीज़ आ गई होगी कि आयनिक बॉन्ड कहते किसे हैं। तो पहली चीज़, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, दिस बॉन्ड formed between metals and non-metal, metals and non-metals, non-metals generally, exception हर जगह होते हैं, तो generally सामान्य ये है यहाँ पर किसके बीच में बनता है, metal और non-metal के बीच में ये exist होता है। जैसे इसका example ले लिया मैंने, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन क्या है आपका, एक नॉन मेटल है, गैस है। तो इनके बीच में क्या फॉर्म हो रहा है, आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली देखो MgSO4, Al2, SO4 का होल थ्राइस, ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं आपके, आयनिक बॉन्ड के। पहला तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में मिलेगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे जो ये बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे जो ये बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
from electropositive to इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की होती है, उनके ऊपर प्लस चार्ज आता है और जो लेते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे यहाँ पर NaCl है, क्या है? NaCl है। तो Na का अगर मैं कॉन्फिग्रेशन करूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, अगर आपको अबव प्रिंसिपल नहीं आता है तो उसके लिए भी आप रिकमेंड कीजिए, मैं आपके लिए सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपने छोटी छोटी चीज़ें ये छोटी क्लासेस के अंदर ही डिस्कस कर ली होंगी। तो एटॉमिक नंबर 11 होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन को ले या फिर एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे किसी के लिए डोनेट करे। तो दो कंडीशन है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसके पास यहाँ पर 2s और 2p के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक बेटर कंडीशन है कि 3s के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, ये डोनेट कर दे। दूसरी ओर हमारा जो क्लोरीन है 17 एटॉमिक नंबर होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p5 मतलब मैक्सिमम क्वांटम नंबर जो आपको ये दिख रहा है ना, 1, 2, 2, 3, 3 दिख रहा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो ये तीन और तीन क्या हैं आपके, ये वैलेंस सेल है या फिर आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं इसे। तो इसके अंदर 5 to 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने की रिक्वायरमेंट है, एक की। तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर आप सेल के बेस पे करना चाहते हो तो सोडियम का जानते हो 11 होता है, 2.8.1 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 2.8.7 होता है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको कौन डोनेट कर देगा, सोडियम किसके लिए, क्लोरीन के लिए। जैसे ही डोनेट करेगा तो ये अपने चार्ज में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम बताओ पहले यहाँ पर। हाँ, हमारे पास जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये हम सभी जानते हैं। यहाँ पर ये बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है ये कौन सा आपका आयनिक बॉन्ड है, क्या है, आयनिक बॉन्ड। स्पेशली मैं बता रहा हूँ जो ये आयनिक बॉन्ड होता है ये आपका एक टाइप का केमिकल बॉन्ड है, क्या है, एक टाइप का केमिकल बॉन्ड होता है जो किसके बिटवीन बनता है, हाँ, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में जो फॉर्म्ड होता है ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये आपका आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, पहला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कौन सा, आयनिक बॉन्ड हो गया ना। अभी ये आपका ऊपर से कवर करा रहा हूँ मैं, आयनिक बॉन्ड का दूसरा टॉपिक और है जहाँ पर बहुत सारी हम चीज़ें देखेंगे आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड, लेकिन हाल फिलहाल आपको ये जानना ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक के। अगर आप इतने अंदर तक जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर उस टॉपिक की बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, तभी आपको पूरी तरीके से वो टॉपिक समझ में आएगा अगर आप उन चीज़ों के साथ डेप्थ में डील करना चाहोगे। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड ये होता है। ठीक है भाई, हाँ, एक छोटी सी चीज़ में जो आपको बताना भूल गया था वो ये है कि हमारे पास बॉन्ड एनर्जी, में थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो गया, आयनिक बॉन्ड मैंने पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को भूल गया था तो मैं अब बता रहा हूँ इसको। टॉपिक नहीं, बेसिकली एक क्लासिफिकेशन है बॉन्ड एनर्जी के बीच में। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई किस बॉन्ड के लिए कितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसके कितने के लिए बनती है, तो ये पूछी जाती हैं कई बार, है ना। तो हमारे पास अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं बॉन्ड, सॉरी, पहला होता है आपका वांडरवाल, इस वाले का बता रहा हूँ मैं, किसी को नहीं पता तो, है ना, इस वाले का वांडरवाल फोर्स। ये टाइप का फोर्स होता है जो एक वीक फोर्स होता है, क्या होता है, वीक फोर्स होता है, क्या होता है, वीक फोर्स होता है। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपकी जो एनर्जी देनी पड़ती है वो लेस देन 8 किलो जूल, लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। अगर आप 8 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी दोगे इसके लिए तो क्या होगा, यहाँ पे ये
इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो लेस देन 8 किलोजूल पर मोल एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो यहाँ पर ये वन डबल फोर्स आपका इजीली ब्रेक हो जाएगा। सेकेंडली जो मैं मूव कर रहा हूँ टूवर्ड्स अपना सेकेंड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड जिनके बीच में, जैसे H2 मॉलिक्यूल हो गया, ये जिसके बीच में पाया जाएगा वहाँ पे आपको 8 से 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका केमिकल बॉन्ड। और जो ये केमिकल बॉन्ड है ये तीन टाइप का होता है, एक तो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था आयनिक बॉन्ड, सेकेंड है आपका यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा है आपके पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर इसको डेटिव बॉन्ड भी बुलाते हैं। तो ये तीन टाइप के हमारे पास हैं। यहाँ पर इस केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर आपको एनर्जी मोर देन 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो वहाँ पर आपका केमिकल बॉन्ड होगा। ये अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज हैं, फिक्स बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार थोड़ा सा इस चीज़ को कॉपी करो आप कंप्लीट, फिर हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि अपना सेकंड है जो वो आयनिक बॉन्ड थोड़ा सा बता दिया मैंने, अब पढ़ेंगे हम सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड और उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको कॉपी करिए फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, कॉपी कीजिए। तो देखो अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, हमने आयनिक बॉन्ड देख लिया था, सेकंड हम मूव कर रहे हैं अपने सेकंड टाइप पर जिसका नाम है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। नाम सुन के याद आ गया होगा आपको कि कोवेलेंट बॉन्ड कहते किसे। बेसिकली पहले चीज़ तो ये है जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये शेयरिंग के थ्रू बनता है, फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल किसे कहते हैं, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं जो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते ना दूसरा एक्सेप्ट कर सकता, तो वहां पर क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, क्लोरीन Cl2 का, H2 का और HBr का, HCl का, तो इन वाली कंडीशन में क्या होता है आपका ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है जनरली नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है। अगर मैं एग्जांपल कंसीडर करने चलूँ, जैसे आपका Cl2 है ना, Cl2 के पास दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन ये वाला, दूसरा क्लोरीन ये वाला। आउटर मोस्ट सेल में सभी को पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सिमिलरली इसके पास भी कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक की रिक्वायरमेंट, इसे एक कंप्लीट करने के लिए एक की रिक्वायरमेंट, क्या ऐसा हो सकता है कि ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, नहीं। ऐसा हो सकता है कि ये क्लोरीन इसको डोनेट कर दे, नहीं। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है लेकिन कोई भी किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड कतई भी नहीं बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उसको शेयरिंग में लेकर आएंगे। इसको क्लोरीन को कितने की रिक्वायरमेंट है, एक की, तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को हटाकर कहाँ पे डाल दिया, शेयरिंग में डाल दिया। अब जो ये शेयरिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं ये आपके इस क्लोरीन के लिए भी और इस वाले क्लोरीन के लिए भी, दोनों क्लोरीन के लिए काउंट होंगे। सिमिलरली देखो यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी तो यहाँ पर इसने भी क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दिया, इसने भी एक शेयरिंग किया, इसने भी एक शेयरिंग किया। लेकिन ऐसे जो इसके पास दूसरे जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको ये शेयरिंग नहीं बोलेंगे आप,
क्योंकि शेयरिंग में केवल और केवल कितना डाला है इसने, एक डाला है। जनरली आप देखते हुए होंगे कि हाँ अगर मैं करोड़पति हूँ, वैसे हूँ तो नहीं, लेकिन अगर मैं लाख रुपए में मैं लखपति हूँ तो क्या होगा, कोई मेरे पास बेगर आ रहा है, भिखारी आ रहा है, तो ऐसा थोड़ी नहीं मैं पूरी प्रॉपर्टी उसको दे दूंगा, नहीं ना। या फिर कोई किसी के संग बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई हम बिजनेस ओपन करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि हम जितने मेरे घर में पैसे हैं, जितनी मेरी प्रॉपर्टी है, जितना हाउस है, सब हम शेयरिंग में डाल देंगे, कहते ही नहीं है। जितने से हम सेटिस्फाई हो सकते हैं, जितने से हमारा काम चल सकता है, जितना से हमारा बिजनेस बिल्डअप हो सकता है, उतने हम पैसे के देते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो सेम वही कंडीशन इन इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो रही है, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये इस क्लोरीन के लिए भी हैं और इस वाले के लिए भी। तो इस वाले के लिए हैं तो देखो इसको ऐसे कवर कर दिया मैंने, इस वाले के लिए है तो इसको भी ऐसे कवर कर दिया। अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन ये बन गया, क्रॉस से बना सकते हो, डॉट से बना सकते हो, तो इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर गया, नहीं कर गया, कर गया ना। तो दो क्लोरीन एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और जो ये बॉन्ड बना है ये क्या आपका कोवलेंट बॉन्ड है। क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। क्या है भाई? कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड समझ में आया आपको, जनरली नॉन मेटल्स के बीच में एग्जिस्ट होता है, और आपका जो ये बॉन्ड बनता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसी शेयरिंग? इक्वल, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग जहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट्स या फिर एटम्स के थ्रू क्या करे जाते हैं, शेयरिंग में डाले जाते हैं, तब ये आपका क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आई? क्लियर। ये आपका सेकेंड टाइप था। थर्ड टाइप हम देखते हैं। देखो थर्ड टाइप अगर मैं देखूँ तो आपका जानते भी होंगे थोड़ा सा, सुना भी होगा, और नहीं सुना है तो अब सुन लीजिएगा। तीसरा है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बस एक छोटा सा डिफरेंस है जो इन दूसरों को अलग करता है, कि यहां पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो आपका अनइक्वल शेयरिंग से बनता है। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब आप सोचोगे सर अनइक्वल कैसे होती है? देखो मान के चलो आपके पास कोई ए है और ये है आपका बी, हम इनका नाम एज्यूम करते हैं, इसका नाम कुछ रख दो मोनू, और इसका नाम रख दो आप गोलू। दो हैं आपके पास, मोनू एंड गोलू। ये आपके एक बिजनेस पार्टिसिपेट, बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं, दोनों की एक ही इच्छा है कि हमारा बिजनेस चले, लेकिन जो बी है उसके पास पैसे तो हैं, इसके पास पैसे तो हैं, 1 लाख इसके पास पैसे हैं, अपना बिजनेस ओपन कर सकता है, लेकिन इसके पास माइंड नहीं है। दूसरा जो ए है, इसके पास पैसे हैं लेकिन माइंड नहीं है। गलती से किसी दिन एक रास्ते में भिड़े, दोनों की मुलाकात हुई, दोनों ने अपनी कहानियाँ सुनाई कि भाई हमें बिजनेस ओपन करना है, तो बी ने अपनी कंडीशन बताई कि भाई मेरे पास या तो टाइम नहीं है या फिर मेरे पास दिमाग नहीं है, ऐसा तो कोई कहता ही नहीं है, खैर यही बोलता है कि मेरे पास दूसरे काम है, अगर आप मेरी शॉप या फिर जहाँ पे भी मैं बिजनेस ओपन कर रहा हूँ, अगर आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो तो मैं बिजनेस में पार्टिसिपेट करूँगा। तो ये बोला कि भाई बिजनेस में पार्टिसिपेट कर दे, मैं चला लूँगा उसे। तो यहाँ पर 1 लाख रुपये किसने दे दिए? यहाँ पर शेयरिंग में डाल दिए। अब जो 1 लाख रुपये दिए किसने? ये गोलू ने दिए थे बिजनेस ओपन करने के लिए। किसको? ए को। अब ऐसे थोड़ी नहीं है कि थर्ड पर्सन आएगा और यहाँ पे मोनू बोलेगा कि यार ये तो बिजनेस उसका है, नहीं दुकान पे तो वो रहेगा। कोई भी उससे बोलता है तो क्या बोलेगा आपसे? हाँ बिल्कुल यही बोलेगा कि ये मेरी शॉप है, आप ऐसे ऐसे आइए करेगा और मतलब थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। दूसरा चाहिए कहीं पर भी हो, अपना बखान करेगा कि वहाँ पर फलां जगह जो भी जगह है उस पर मेरा शोरूम है, मेरी शॉप है वहाँ पे। तो दोनों अपना कोई भी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर जो बिजनेस ओपन किया है उन दोनों को पता है कि पैसे इसने दिए हैं लेकिन दिमाग इसका लगा है। तो यहाँ पर दोनों के थ्रू क्या हुआ है? यहाँ पर 1 लाख रुपये शेयर हुए हैं। तो ये अनइक्वल शेयरिंग हुई है ना। पैसे ए ने थोड़ी नहीं दिए, बी ने दिए। तो इसी प्रकार से दो
एटम्स के बीच में भी जब इस टाइप की इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखो कैसे, इसके पास मान के चलो एक लॉन पेयर था। लॉन पेयर किसे कहते हैं, जिसको जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, दो इलेक्ट्रॉन का समूह। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर डाल लेता है, ये शेयरिंग में डाल देता है। अब जैसे यहाँ पे इसने ये शेयरिंग में डाले, ये आपके इसके बीच में काउंट होंगे, इसके बीच में काउंट होंगे, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा आपका वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे। मतलब जिधर की साइड एरो आ रही है ये आपका कौन है, एक्सेप्टर। क्या है, एक्सेप्टर। और ये क्या है आपका, डोनर। तो कभी भी आप, वैसे आयनिक बॉन्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, डोनेट नहीं किए इस बी ने, इसको डोनेट नहीं किए, शेयर किए हैं, और वो अनइक्वल शेयरिंग है। कभी आप इसको आयनिक बॉन्ड समझने लग जाओ, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। तो ए और बी के बीच में यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूँ तो इसका एग्जाम्पल जैसे मान के चलो NH4+। देखो नाइट्रोजन के पास पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन के साथ तो इसने हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, एक लोन पेयर बच गया। एक हाइड्रोजन आया इसके पास भूखा नंगा, तो इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है आपका, ये कौन सा आपका, हाँ ये कौन सा आपका, कोऑर्डिनेशन।